हाय एवरीवन, आज हम सेवैया खीर की रेसिपी लेके हैं जो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में टेस्टी है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो जब मीठा खाने का मन करे। आप रक्षाबंधन में बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बना है और बनाना भी आसान है। अब चलिए देर की इस बात की, इस सेवई खीर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 1 चम्मच घी डालेंगे, 1 कप सेमोई ले लिया है, घर का बना हुआ सेमोइया है, आप मार्केट का भी ले सकते हो। अब डाल देंगे, गैस का फ्लेम लो करके 3-4 मिनट भून लेंगे। 4 मिनट हम सेमोई को भून लिया है, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गई है, इससे ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना। अब इसको साइड में रख देंगे। 1 लीटर दूध ले लिया है, दूध में बॉयल आने देंगे गैस का फ्लेम हाई करके। दूध में बॉयल आ गई है, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और जो भुना हुआ सेवैया है वो डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके 3-4 मिनट पका लेंगे, जब तक सेवैया सॉफ्ट ना हो जाए। इसी तरह से चलाते रहेंगे बीच बीच में। 3-4 मिनट हमने सेवैया को पका लिया है, देखिए गाढ़ी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। 1/2 कप चीनी मिला लेंगे, आप अपने हिसाब से मिला लीजिए, आप कितना चीनी पसंद करते हैं। अब मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, काजू बादाम किशमिश पिस्ता डाल देंगे, मिक्स करेंगे। 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट और पका लिया है, देखिए सेवैया हमारी बिल्कुल रेडी है, देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अगर आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हो, क्योंकि मेरे घर में सेवैया के अंदर इलायची पाउडर पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं डाला है। अब बिल्कुल रेडी है, अब गैस को ऑफ कर देंगे और सर्व करके दिखाएंगे। देखिए बर्तन में सर्व कर लिया है, ऊपर से थोड़ी सी गार्निश के लिए बादाम डाल देंगे और थोड़ी सी पिस्ता डालेंगे, आप अपना मांसाहार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। देखिए सेवैया हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसको रक्षाबंधन पे बना सकते हो, आप कोई भी टाइम बना सकते हो, जब मीठा खाने का मन हो 5 मिनट में इसको बना के खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपकी इस सेवैया की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।